डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की मौत ऑफिस में भी कहां से आ गए थे? गुजरात से। हाली में टीजर रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिला। इसमें शाहरुख खान समेत विकी कौशल और तापसी पन्नू तक कई स्टार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले। मूवी को 22 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। डंकी का बजट 120 करोड़ बताया जा रहा है, जो एसआरके की 6 साल में पहली लो बजट मूवी है। 120 करोड़ में पब्लिसिटी, प्रिंटिंग, एक्टर की सब चीजें शामिल हैं। इससे पहले पठान, जवान, जीरो सभी हाई बजट मूवीज रही है। इसी बीच मूवी की स्टार कास्ट की फीस सामने आई है कि किंग खान ने इसके लिए 100 करोड़ नहीं बल्कि इससे कम रकम फीस ली है। इस लिस्ट की शुरुआत शाहरुख खान से करते हैं। मूवी डंकी में एक्टर लीड रोल में है। इसमें उन्होंने हार्डी का रोल प्ले किया है। एक्टर को लेकर पहले खबर थी कि उन्होंने पठान और जवान की हिट के बाद अपनी फीस बढ़ा दी है और इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए, लेकिन अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उन्होंने मूवी के 28 करोड़ रुपए चार्ज किए। वहीं ओरी आप तो विकी कौशल को मूवी में फीस बोमन ईरानी से कम मिली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए आपको को 12 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि वो इससे पहले राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म संजू में काम कर चुके हैं। खबरों की माने तो बोमन ईरानी को विकी कौशल से ज्यादा फीस मिली। मोना भाई और BTS, थ्री इडियट्स और PK जैसी फिल्मों में काम कर चुके बोमन डंकी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसमें वो टीचर गुलाटी की भूमिका निभा रहे हैं और मूवी में काम करने के लिए उन्हें 15 करोड़ रुपए मिले। डंकी में तापसी पन्नू भी अहम भूमिका में है। इसमें उनका मानू का किरदार है, यानी मन्नू का। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस ने इसके लिए 11 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वहीं 90 के दशक के दिग्गज एक्टर सतीश शाह ने मैं हूं ना जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद एक्टर डंकी के जरिए शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले। ऐसे में रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसके लिए उन्हें 7 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके साथ सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मूवी डंकी ने रिलीज से पहले ही 150 करोड़ की कमाई कर ली है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने डंकी के डिजिटल राइट्स 155 करोड़ में खरीदे हैं और ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी एक भाषा में रिलीज हुई मूवी के लिए सबसे बड़ी डील है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं।